हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, और आप सबका स्वागत है ऑडिट के इस सेशन में। और हम अब आज डिस्कस करने जा रहे हैं ऑडिट आपका 50 मार्क्स का पेपर, जो पेपर नंबर 12 में है, और ये अकाउंट्स के पेपर के साथ एक 50 मार्क्स का पेपर है, विच इज़ ऑडिट। एंड ऑडिट इज़ बेसिकली कंसर्न विद वेरिफिकेशन, विद चेकिंग, आपको कैसे फाइनेंशियल अकाउंट्स को चेक करना है, आपको कैसे कॉस्ट अकाउंट्स को चेक करना है, इन सब चीज़ों की चेकिंग की हम जानकारी लेंगे इस चैप्टर में, जो कि इंस्टीट्यूट ने डाला है 50 मार्क्स का आपके इंटर के सिलेबस में। गाइज, ऑडिट 100 मार्क्स का फाइनल में भी पढ़ने को मिलता है हमको, जिसका बेसिक हम इंटर में डेवलप करते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंटर में ऑडिट को ढंग से पढ़ना, ताकि फाइनल में जो पूरे 100 मार्क्स का पेपर है उसे आप सही से अप्रिशिएट कर पाएं, और जो एडवांस लेवल के कंसेप्ट्स आप फाइनल में पढ़ेंगे उन्हें ढंग से आप तभी पढ़ सकते हैं जब आपने इंटर में स्ट्रांगली ऑडिट पढ़ा हो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑडिट आपका 50 मार्क्स का पेपर, पेपर नंबर 12। बुक्स जैसा कि मैं होप करता हूं आपको मिल गई होगी, और हम प्राइमरली बुक से ही पढ़ेंगे। आपके सामने बुक खुली हुई है, चैप्टर नंबर 4 आपके सामने खुला हुआ होगा, लेकिन 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 दोस्तों, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक आपको फ्रैंकली बात बताना चाहता हूं, ठीक है? देखो, मैं टीचर हूं, ठीक है, तो मैं तुमसे छुपा नहीं सकता, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जिसका विपरीत परिणाम तुम्हारे ऊपर पड़े फ्यूचर में जाके। तो मैं कुछ भी तुमसे छुपाऊंगा नहीं, मैं एकदम सच सच बात तुमको बताऊंगा। देखो, अल्टीमेटली ऑडिट एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, और थ्योरी मतलब रट्टाफिकेशन, रटना। तो आपकी ग्रैस्पिंग पावर से ज्यादा आपकी रट्टाफिकेशन, आपके मेमोरी स्किल्स, आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, आप कितनी जल्दी रट पाते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट इन ऑडिट। तो आप कितने अच्छे से रट पाते हो, कितने अच्छे से याद कर पाते हो, कितने अच्छे तरह से एज इट इज वर्ड्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन में, यहीं पर ऑडिट का असली स्किल सामने आएगा। और दोस्तों, ये कहने में मुझे कोई शंका नहीं है कि एग्जामिनर एग्जैक्ट वर्ड्स ढूंढता है, वो आपके अपने वर्ड्स में लिखे हुए पे मार्क्स नहीं देता। तो अगर आप ऑडिट में मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको एग्जैक्ट वही वर्ड्स लिखने पड़ेंगे जो कि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में लिखे हुए हैं, जिसका अगेन मतलब ये है, बिना समझे, बिना अपना माइंड अप्लाई करे आपको रट्टा मारना है ऑडिट का, फ्रॉम वन वर्ड टू द लास्ट वर्ड। और मैंने जितनी भी बातें अभी पिछले एक मिनट में या 40 सेकंड में कही, वो सब बकवास थी। मुझे पता है आप वीडियो स्टार्ट कर रहे हो दिमाग में ये नोशन लेके, सर ये तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में हमको क्या समझने वाली बात है, इसमें कोई समझने की बात ही नहीं है, ये तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, सर ये तो हो जाएगा, हम रट्टा मार लेंगे, रट्टा मार के कर लेंगे, इसमें क्या समझना। ये बिल्कुल गलत नोशन है जो आपके दिमाग में है ऑडिट को लेकर। गाइज, ऑडिट एक 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो बिल्कुल भी रट्टाफिकेशन वाले नहीं आते, वो क्वेश्चंस आपकी नॉलेज को टेस्ट करते हैं, एप्लीकेबिलिटी को टेस्ट करते हैं, केस स्टडीज बन के आती हैं, वन लाइन स्टेटमेंट बन के आएगी जिसमें आपको कमेंट करना पड़ेगा, जिसमें आपने जितना भी रट्टा मारा हो, जब तक समझा नहीं है कॉन्सेप्ट तब तक आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते क्वेश्चन। तो मैं आपको क्लास के दौरान कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने 4 साल ऑडिट किया है एक बिग फोर में, और बड़ी बड़ी कंपनीज, एमएनसीज, पार्टनरशिप फर्म्स, कॉरपोरेट सोसाइटीज का मैंने ऑडिट किया है। तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी बताऊंगा जो एक्चुअली ऑन ग्राउंड जब आप ऑडिट करने जाते हो तब आपके साथ आपको फेस करनी पड़ती हैं, तो वो सब हम इस क्लास में स्टडी करेंगे। बट प्लीज 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 अपने दिमाग से ये नोशन निकाल देना कि ऑडिट इज मेयरली अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट, एंड यू जस्ट हैव टू रट्टोफाई ऑडिट, एंड यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग इन ऑडिट। ऑडिट समझने का नाम नहीं है, ऑडिट रट्टा मारने का नाम है। ये नोशन लेके आप क्लास में नहीं बैठ सकते, प्लीज ये वाला नोशन दूर रख दो, और तभी हम ऑडिट को स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, आपके सामने नजर आ रहा है चैप्टर नंबर 4। सर, हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कब पढ़ेंगे? दोस्तों, वो भी पढ़ेंगे, मैं सीरियल वाइज आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे जो स्टडी पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 का सबसे पहले हमको पढ़ने की जरूरत है, इसलिए हम चैप्टर नंबर 4 सबसे पहले पढ़ रहे हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 4। लेकिन 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 स्टार्ट करने से पहले एक बात और, मुझे एक चीज बताओ भाई, ये ऑडिट का मतलब क्या है? सर, ऑडिट का मतलब है वेरिफिकेशन।
हाँ भाई बिल्कुल सही बोला तुमने। तो देखो जो तुम्हारे वर्ड्स दिमाग में आ रहे हैं ना ऑडिट को लेकर, वो मैं लिखता जाता हूँ साथ में, तुम भी कहीं ना कहीं ये वाले वर्ड्स लिखते जाओ। तो तुमने सबसे पहला वर्ड जो बोला ऑडिट के रिस्पेक्ट में, वो बोला वेरीफिकेशन। हाँ भाई हाँ, वेरीफिकेशन इज वेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड विच इज रिलेटेड टू ऑडिट। और सर, और ऑडिट का नाम सुनते ही और कौन सा वर्ड दिमाग में आता है? सर एक वर्ड आता है चेकिंग, चेकिंग करना, वेरीफाई करना, बिल्कुल भाई। और एक वर्ड आता है एनालिसिस, एनालिसिस करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का या किसी भी चीज का, उसे बोल देंगे ऑडिट। ठीक है भाई, ये तीनों वर्ड्स तुम्हारे दिमाग में आते हैं। अब जरा फर्ज करो तुम कॉस्ट अकाउंटेंट बन गए, ऐसे तुमने टाई लगाई हुई है, जैकेट पहनी हुई है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम कॉस्ट अकाउंटेंट बन गए और तुमने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी। और सपोज तुम टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन से मिलने गए और उनसे तुमने कहा, सर वी आर अ कॉस्ट अकाउंटेंट। चेयरमैन ने कहा, तो सर फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाइड इंटर एंड फाइनल। चेयरमैन ने कहा, तो सर फाइनल रैंक होल्डर, रैंक आई है हमारी फाइनल में। चेयरमैन ने फिर कहा, तो सर हम आपके अकाउंट्स का ऑडिट करना चाहते हैं, आप अपने अकाउंट्स हमको दो जो आपने बनाए हुए हैं, हम उसकी चेकिंग करेंगे और आपकी गलतियां निकालेंगे, क्या गलतियां आपने करी हैं। पता है टाटा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन क्या बोलेगा? खुद अपने पैरों से जाओगे या मैं तुम्हें धक्के मार कर निकलवाऊं, बाउंसर्स को बुलाऊं? यकीनन टाटा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन ऐसे बिहेव करेगा तुम्हारे साथ। अब चलो एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, टाटा चेयरमैन, टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन को भूल जाओ, मैं तुम्हारे घर आज शाम को आना चाहता हूं और मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारी अलमीरा को चेक करूंगा, मैं तुम्हारे रूम को चेक करना चाहता हूं, मैं तुम्हारा कबर्ड चेक करना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे रूम में, तुम्हारे कबर्ड में कहीं कोई अनएथिकल चीज तो नहीं है। मैं आज शाम को तुम्हारे घर आना चाहता हूं। हां सर आ जाओ, शाम तक तो हम वो सारी अनएथिकल चीजें कहीं छुपा देंगे। नालायक, मैं शाम का इंतजार नहीं करूंगा, मैं अभी साथ में तुम्हारे साथ चलूंगा, फिर कैसे छुपाओगे बताओ। तो अगर मैं आज शाम को तुम्हारे घर आना चाहता हूं, तुम्हारी अलमीरा चेक करना चाहता हूं, तुम्हारे घर का ऑडिट करना चाहता हूं, तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? हां सर आ जाओ, हमारा दामन एकदम पाक साफ है, हमने कोई भी किसी भी तरह का कोई भी गलत काम नहीं किया है। अगर तुम शरीफ हो ना तो तुम मेरे को ऐसे जरूर बोलोगे, लेकिन अगर तुम्हें लॉ पता है, हमारी कंट्री का लॉ पता है, तो तुम ये बात नहीं बोलोगे मुझे। तो तुम पता है क्या कहोगे? तुम कहोगे, सर आप टीचर हो ठीक है, लेकिन आपको ये राइट किसी ने नहीं दिया कि आप मेरे पर्सनल बिलोंगिंग्स को टच करो, मेरे पर्सनल रूम में आओ और मेरे पर्सनल चीजों का ऑडिट करो। सर ये राइट आपको मैंने नहीं दिया और ये राइट किसी ने भी आपको नहीं दिया। आपको राइट है पढ़ाने का, आप मुझे डांटो अगर मैं सही से नहीं पढ़ाई कर रहा तो, लेकिन मेरे घर में आके पर्सनल चीजों से मेरे छेड़खानी करने का राइट, ये राइट मैंने आपको नहीं दिया और ये राइट किसी ने भी आपको नहीं दिया। सर आई विल नॉट अलाउ यू टू एंटर इन टू माई होम एंड डू एनी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। एब्सोल्युटली गाइज, आप मेरे को या फॉर दैट मैटर किसी भी थर्ड पार्टी आउटसाइडर को अपने घर में नहीं घुसा सकते, अपनी पर्सनल चीजें नहीं दे सकते। आप सीधे से बोलोगे, तुम हो कौन, हु आर यू। सिमिलरली आप जब भी किसी कंपनी के पास जाओगे, सच यही है, वो लोग कहेंगे, हु आर यू, अरे कौन कॉस्ट अकाउंटेंट, कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमें नहीं पता, हमें किसी ऑडिट की जरूरत नहीं है, हम कैसे अपनी पर्सनल चीजें तुम्हारे हाथों में दे दें। गाइज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक कंपनी के, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक कंपनी की, उसकी सबसे ज्यादा पर्सनल चीजें होती हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसके ट्रेड सीक्रेट्स छुपे होते हैं। किस वेंडर से कितने रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, कहां मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन से रॉ मटेरियल का कितने कितने प्रपोर्शन में एड हुआ, कहां मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इतनी सीक्रेट चीजें जो बिजनेस के लिए एकदम पर्सनल चीजें कहलाती हैं, इतनी चीजें, पर्सनल चीजें, सीक्रेट चीजें तुम किसी बाहर के आदमी के हाथ में कैसे दे दोगे, सवाल ही नहीं उठता। तो सबसे पहला रिएक्शन ऑडिट का जो कंपनी करती है वो है रिस्ट्रिक्शन, वो है रिफ्रेन, अवॉइड करने की कोशिश करती है हर कंपनी, हम नहीं ऑडिट करना। अरे हमें पता है हम जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, हमें सब चीजें पता है, हम कोई ऑडिट नहीं कराना चाहते। हर कंपनी का ये ही सबसे पहला रिएक्शन मिलेगा तुमको जब भी ऑडिट कराने जाओगे। अब मैं सिचुएशन को कर रहा हूं चेंज। तो अभी भी तुमने मुझे कहा, सर हम आपको अपने घर में नहीं घुसने देंगे, आप प्लीज चले जाइए, आप टीचर हैं, पढ़ाइए हमें, हमने आपकी वीडियो लेक्चर्स परचेज करे हैं, बस आपका काम है हमारा टेस्ट लेना, एमसीक्यूज हमको देना, हमको मटेरियल प्रोवाइड करना, दैट्स इट। इसके आगे आपका कोई भी जॉब नहीं है, आप हमारे घर में नहीं घुस सकते। अब देखना मैं सिचुएशन पलट रहा हूं। अभी अभी तुम्हारे डैड का व्हाट्सएप आया, जरा चेक करो अपना मोबाइल फोन,
अरे हाँ, चेक करो, मोबाइल फोन चेक करो, अभी व्हाट्सएप आया तुम्हारे डैड का। तुम्हारे डैड ने तुमको बोला है कि तुमको निखिल सर को अपने घर के अंदर घुसाना है, परमिशन दी है उन्होंने तुम्हें, और तुम्हें ऑर्डर दिया है डैड ने, और उनसे अपने पूरे रूम का ऑडिट कराना है, कीज दे देना, चाबियां सारी की सारी अपने रूम की और अपने कबर्ड की और अपने सारे ड्रॉर्स की, और निखिल गुप्ता सर तुम्हारा ऑडिट करेंगे। अब बताओ, क्या तुम मना कर सकते हो? क्या तुम स्थिति में हो कि तुम अपने डैड को बोलो नहीं, मैं नहीं कराऊंगा निखिल गुप्ता सर? क्या तुम स्थिति में हो? नहीं कर सकते। रीजन क्या है? चेंज क्या हुआ? चेंज ये हुआ कि अब जो लॉ ऑफ लैंड है जिसके अंडर तुम गवर्न होते हो, विच आर योर पेरेंट्स इन योर केस, जो लॉ है जिसके अंडर तुम गवर्न होते हो टिल द टाइम यू आर 18, तुम उस लॉ के अंडर गवर्न होगे, वो लॉ तुमको कोई चीज करने के लिए कह रहा है। अब तुम किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में ऑडिट अवॉइड नहीं कर सकते। सेम हालत है हमारे लीगल ऑडिट की, हमारे फाइनेंशियल ऑडिट की। आप देखना, मैं टाटा इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन हैं, जिन्होंने अभी अभी तुमको क्या बोला कि दरवाजा सामने है, अपने पैरों से निकल के जाओगे या बाउंसर्स बुलाएं तुम्हें धक्के मारकर निकालने के लिए, अभी अभी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, मैं इस परिस्थिति को चेंज कर रहा हूं, देखना परिस्थिति क्या है। अब परिस्थिति यह है, तुम कॉस्ट अकाउंटेंट चेयरमैन से मिलने गए, तुमने चेयरमैन को बोला सर ये देखिए कंपनीज एक्ट 2013 में यह लिखा है कि आपको, अगर आप एक कंपनी हो और अगर आप कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो, ऑब्वियस सी बात है जितनी भी कंपनीज हैं वो कंपनीज एक्ट में तो रजिस्टर्ड होंगी ही होंगी, अगर आप एक कंपनी हो और आप कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो सर, यू आर मैंडेटोरली रिक्वायर्ड टू गेट योर ऑडिट डन। ये देखिए सर, कंपनीज एक्ट में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा सर, कंपनीज एक्ट में लिखा है, एंड इफ यू डू नॉट गेट ऑडिट डन देन यू विल बी लायबल टू पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन, बोथ कैन बी लेवाएबल ऑन यू। फाइन लग सकता है, पेनल्टी लग सकती है, और क्या लग सकता है? प्रोसिक्यूशन मतलब अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की चक्की खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। तो जेल हो सकती है ना केवल डायरेक्टर्स को बल्कि टॉप ऑफिशियल्स को, और फाइन और पेनल्टी भी लग सकता है। अब बताओ, टाटा ग्रुप के चेयरमैन अब तुम्हें क्या कहेंगे जब तुम्हें बोलोगे सर हम आपके अकाउंट्स का ऑडिट करना चाहते हैं, हम आपका ऑडिट करना चाहते हैं, बताइए जरा। अब बताओ वो लोग क्या कहेंगे? अब पता है वो लोग क्या कहेंगे? वो कहेंगे सर जो आप शाम को पिज्जा खाएंगे ना, उसमें सर बताइए आप टॉपिंग्स कौन सी पसंद करते हैं प्लीज सर। सर जो डिनर आएगा ना, डिनर सर, सर डिनर अभी यहां पास में एक 5-स्टार होटल खुला है नया, बहुत अच्छा डिनर मिलेगा सर, हम आपका प्लीज सर, सर आप ना डिनर वहां से मंगवाइएगा। देखा आपने, चेंज किस चीज में हुआ? चेंज हुआ दोस्तों एटीट्यूड में, क्योंकि अब आपके ऑडिट को एक लीगल रिकॉग्निशन मिली। अब आपका ऑडिट कोई ऐसे एवं ऑडिट नहीं है, एक स्टैचुटरी ऑडिट है, और जैसे ही आपका ऑडिट स्टैचुटरी ऑडिट बन जाता है वैसे ही उसमें पावर आ जाती है। तो अगर मैं लूज टर्म्स में एक बात कहूं, देखो लूज टर्म्स में बोल रहा हूं, एक लूज टर्म्स में बात कहूं तो ऑडिट इज इन इफेक्टिव विदाउट अ बैकिंग सपोर्ट ऑफ लॉ। जब तक ऑडिट की कोई बैकबोन नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, जब तक ऑडिट को किसी लॉ ने सपोर्ट नहीं किया हुआ, सपोज आपके बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड निकल जाए तो आपके बॉडी कैसे हो जाएगी? ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, इधर झुकेगी इधर झुकेगी, कोई कंट्रोल नहीं रहेगा आपकी आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी बिल्कुल एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगी। सिमिलरली अगर ऑडिट का कोई बैकिंग लॉ नहीं है जिसके अंदर ऑडिट परफॉर्म कर रहा है अपना सारा, जिसके परव्यू में ऑडिट परफॉर्म करेगा अपना सारा प्रोसीजर, अगर कोई बैकिंग लॉ नहीं है तो वो ऑडिट बेकार है।